बीजेपी नेता की दबंगई वोट डालने को लेकर की पिटाई, बाद में खौलते तेल में थकेला। यूपी के रामपुर में बीजेपी नेता की दबंगई सामने आई है। गठबंधन समर्थक को जबरन वोट किसे डालोगे पूछने को लेकर विवाद कर गठबंधन समर्थक की पिटाई कर उसे खौलते हुए तेल की कढ़ाई में धकेल दिया, जिससे पीड़ित पूरी तरह झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर मौके पर डायल 100 पुलिस भी पहुंची, पर आरोपी नेता पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। घटना को आज करीब 8 दिन बीत चुके हैं, पर पुलिस ने अभी तक FIR तक दर्ज नहीं की है। एक मनोज ठाकुर है, वो भी आन के चाय पीने लगे। मुझसे बोले कि आप वोट किसे दोगे, तो मैंने उनसे कहा ये सवाल मुझसे क्यों कह रहे हो, मैं वोट किसी को भी दूं, आपको क्यों बतलाऊं कि बतलाओ किसे दोगे वोट। तो उनका थोड़ा इशारा सर ऐसा लग रहा जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता हो, तो इशारा दे रहे थे कि आप साले नीची जाति वाले, आप तो चमार हो और ये हो और हमारे मुँह लग रहे हो हम ठाकुर हैं। इससे जाति से शब्दों से सम्मानित करा, जैसे मैंने कहा मैंने कि ये लफ्ज आपने बोला है तो इसका इल्जाम जान दो क्या होगा, कि क्या होगा मैंने कि एशियड लगेगी आपके, इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत होगी। बोले मेरा कुछ भी करा लेना, मेरे तो कोई SPDM कुछ नहीं कर सकता, और जा जो मर्चा करा लेना। मेरा भतीजा आया उससे बदतमीजी करने लगा, बाद विवाद आगे ज़्यादा बढ़ गया, वहाँ बीच बिछाव कर दिया। मैं वहाँ से छोड़ के होटल बैठा था, छोड़ के मैं आगे होटल पर खड़ा हो गया, जिससे कि आगे मैं अपने किसी काम से खड़ा था, होटल से उठ के आन के और मेरे दोनों हाथों से सीने में धक्का मारा, तो मैं खोलते एक तेल की कढ़ाई में समोसे तले जा रहे थे, उस पर मैं इस तरीके से पीछे गिरा, जिससे मेरी चीख पुकार मच गई। मचने के बाद में वहाँ एक तरफ भीड़ लग गई, सूचना मेरे परिजनों को दी, 100 नंबर पुलिस आई मौके मुआयने पर, घटना की जानकारी ली उन्होंने, फिर मुझे थाने ले गए, थाने से जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जिससे आज 8 दिन हो गए मेरी कोई कंप्लेंट या कोई भी FIR लिखने के लिए पुलिस प्रशासन तैयार नहीं रहा। पुलिस आश्वासन दे देते कि आज सुबह आना कि शाम आना, आज मुझे बुला लिया, मैं कप्तान साहब के कार्यालय गया था, मैं कप्तान साहब को दूंगा, तो वहाँ से फोन गया कि आप इनकी कंप्लेंट नहीं क्यों लिख रहे, थाने बुला लिया सर, 10 बजे के गया हुआ मैं, क्या हुआ 3 बजे लौट के आया हूँ, और अभी आधी कंप्लेंट मेरी लिखी, आधी बोले कि इंस्पेक्टर आएंगे तब लिखेंगे, आप घर जाओ, यानी कोई कार्रवाई नहीं।